Now next discussion about integer types or int data types in Java. Int को just use करने का main purpose क्या रहेगा? जैसा है आपने previous case में देखा in case of byte और sort में कभी 32,767 से बड़ा big value store करना possible नहीं. But suppose that किसी situation में आपको किसी employee का salary represent करना, salary something in the form of 1000 or lakhs, lakhs के form में amount directly byte, sort और byte का use करके represent करना possible नहीं. Situation में आप use क्या करोगे? Integer types. Size क्या बताया था मैंने just table में? It will takes 4 bytes. What is the range of integer? इस इंटीजर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग केस हो गया है. इस केस में मैं कई सारे न्यू प्रॉपर्टी हाईलाइट करूंगा. रेंज की बात करें तो रेंज क्या था? -21 47 48 36 47 36 48 to 21 47 36 47. स्पेशली याद रखना इंटीजर के रिस्पेक्ट में इसका रेंज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस है. क्योंकि इस केस में जो न्यू प्रॉपर्टी हाईलाइट करूंगा वो रेंज को ही लेकर आऊंगा या रेंज के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कराऊंगा. इस जावा के केस में जस्ट मैंने आपको बोला, जस्ट मैंने कोई वैल्यू राइट किया लाइक 5 और 25,000 लाइक दैट. इस केस में 5 के केस में इंटरनली मेमोरी में के अंदर बाय डिफॉल्ट 5 किस फॉर्मेट में मैनिपुलेट होगा? इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. सेम एज 25,000 भी किस फॉर्म में मैनिपुलेट होगा? इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. मींस बाय डिफॉल्ट कोई भी इंटीग्रल टाइप या होल नंबर डिफॉल्ट केस में किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है जावा के अंदर? इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स के केस में याद रखना इंटीजर के अंदर कभी भी इस रेंज से बड़ा या छोटा नंबर असाइन करना या रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है. वन मोर थिंग्स, स्पेशल केस, जैसा मैंने आपको बताया था मींस जावा के केस में इंटीजर लिटरल 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, डेसिमल इंटीजर लिटरल, ऑक्टल इंटीजर लिटरल और हेक्साडेसिमल. तो ऑक्टल के रिस्पेक्ट मैंने बोला था अगर कोई भी इंटीजर नंबर अगर डायरेक्टली राइट किया देन इसका डिफॉल्ट टाइप क्या हुआ? इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. अगर सेम केस में इंटीजर नंबर अगर 0 से स्टार्ट कर दे देन 0 के केस में सेम इंटीजर नंबर रिप्रेजेंट किस में हो रहा है? अभी भी इसका टाइप क्या है? इंटीजर. लेकिन इसका टर्मिनस करंटली फॉर्मेट कौन सा है? इंटीजर के केस में नंबर सिस्टम कौन सा है? इसका बेस क्या है? इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल. क्लियर? देन ऑक्टल के केस में आपको बताना चाहिए ऑक्टल के लिए वैलिड रेंज क्या है? फ्रॉम 0 to 7. इसके अलावा कोई भी अदर डिजिट यूज करना पॉसिबल नहीं. अगर मैं राइट डाउन करता हूं इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 0 1 5 वैलिड, देन मैंने डिस्प्ले कराया वैल्यू ऑफ एक्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स. देन इस केस में एक्स का वैल्यू का डिस्प्ले हुआ, इसका सिंपल फॉर्मेट है. एक्स का टाइप क्या करंटली? इंटीजर. इंटीजर तो इंटीजर के रिस्पेक्ट में एक्स के लिए बिट्स कितने एलोकेट होंगे? 32 बिट्स और वी कैन से 4 बाइट. 4 बाइट के केस में जब ये एक्स असाइन हुआ तो एक्स डायरेक्टली असाइन हुआ बाइनरी फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी. देन इसका बाइनरी नंबर क्या है इस केस में? व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 15? 1 0 1 1 0 0 0. इसे ऑक्टल को जब बाइनरी में कन्वर्ट करो वो सिंपली कुछ भी नहीं है, 1 और 5. 5 के केस में बात करें तो 5 का बाइनरी 3 बिट्स में बाइनरी नंबर क्या आएगा? 101. और 1 का बाइनरी क्या आएगा? 001. इट इज इक्वेलेंट टू 1101 मींस व्हिच इज नथिंग बट 13. रिमेनिंग बिट्स में क्या आसान हो जाएगा? डिफॉल्ट वैल्यू है 0 0 0. उसके बाद एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराओगे तो आउटपुट किस फॉर्म में डिस्प्ले होगा? इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका वैल्यू क्या है? इक्विवेलेंट किसके? 13. इसलिए फाइनली आउटपुट क्या आएगा इस केस में? S13. लेकिन क्वेश्चन अगर मैं सपोज दैट इस प्लेस पर यूज करता हूँ लाइक 81, इज इट वैलिड और इनवैलिड? इट इज कंप्लीटली रॉन्ग. रीजन, इस केस में मैंने नंबर का टाइप क्या रिप्रेजेंट किया? ऑक्टल. लेकिन ऑक्टल के केस में ओनली वैलिड डिजिट्स क्या थे? 0 to 7. लेकिन मैं यूज क्या कर रहा हूँ इस केस में? इलीगल ऑक्टल डिजिट एज 8. इसलिए इस केस में कंपाइल टाइम एरर मैसेज होगा स्पेशली. लेकिन इसे एरर मैसेज का टाइप क्या है? इंटीजर नंबर टू लार्ज. इंटीजर नंबर टू लार्ज. व्हाई दिस एरर विल कम? स्पेशली याद रखना जावा के केस में जब भी आप इनवैलिड नंबर टाइप करने के लिए ट्राई करोगे देन उस केस में रेस क्या हुआ? इंटीजर नंबर टू लार्ज. अब इसे एरर मैसेज को जस्ट मैं रिलेट करूंगा विद इंटीजर डेटा टाइप्स. हाउ? चेक इट. मीन जावा के केस में याद रखना इंटीजर्स के फॉर्म अगर कोई भी नंबर
ऑक्टल इंटीजर में रिप्रेजेंट कर रहा था ना, इस केस में ना ही 8 यूज करना पॉसिबल और ना ही आपके लिए 9 डिजिट यूज करना पॉसिबल. पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे, ओनली 0 to 7. सिमिलरली इन केस ऑफ इंटीजर, अगर मैं कोई इंटीजर वेरिएबल यूज करता हूँ, देन फर्स्ट केस डिफरेंट डिफरेंट केस एनालाइज करेंगे. इस केस में राइट डाउन किया इंटीजर एक्स इक्वल टू 21 47 48 36 47. डिस्प्ले करा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यू ऑफ एक्स, देयर इज नो प्रॉब्लम. इस केस में सिंपली डिस्प्ले क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू. आउटपुट में क्या प्रिंट होगा, 21 47 48 36 47. क्लियर. नेक्स्ट केस, अगर मैं सेम केस में मैं राइट डाउन करता हूँ इंटीजर एक्स इक्वल टू 21 47 48 36 47 प्लस 1. इस केस में कोई एरर मैसेज होने के चांसेस होंगे क्या? नहीं, कोई भी एरर मैसेज नहीं हुआ. सिंपली उसका रीजन चेक करते हैं, इसे एक्सप्रेशन वैलिड क्यों. देखा जाए तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इंटीजर के रेंज में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये केस वैलिड है. चेक करेंगे इसका रीजन क्या है. जस्ट सबसे पहले चेक करो एक्स का टाइप क्या है, एक्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. मैं सेकेंड केस चेक कर रहा हूँ ना कि फर्स्ट. क्लियर. तो सेकेंड केस में एक्स का टाइप क्या फाउंड हुआ, इस केस में इंटीजर. तो इंटीजर टाइप इसलिए एक्स के लिए मेमोरी के अंदर टोटल बाइट्स कितने एलोकेट होंगे, 4 byte. क्योंकि जावा के केस में इंटीजर का साइज क्या है, 4 byte, विच इज इक्वलेंट टू 8 bits. दिस इज द लोकेशन एक्स. इज इट क्लियर. नेक्स्ट वन, फर्स्ट ऑपरेंड. फर्स्ट ऑपरेंड का टाइप क्या है इस केस में, इंटीजर. मीन्स बाई डिफॉल्ट इस वैल्यू का टाइप क्या है, इंटीजर. सेकेंड ऑपरेंड प्लस वन, वन का भी टाइप क्या है, ऑल्सो इंटीजर. तो इस केस में जनरेटेड रिजल्ट का भी टाइप क्या है, वो ऑल्सो इंटीजर टाइप. क्लियर. मीन्स इसका रिजल्ट भी किस फॉर्मेट में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में. मीन्स रिजल्ट का वैल्यू क्या हुआ, रेंज में है नहीं है, डजंट मैटर, वो बाद में डिस्कस करेंगे. जस्ट मैं इस प्रीवियस रूल्स के बेसिस पर आइडेंटिफाई करूँ, फर्स्ट ऑपरेंड अगर इंटीजर है, सेकंड ऑपरेंड भी इंटीजर, तो रिजल्ट का टाइप भी क्या होना चाहिए, ऑल्सो इंटीजर. फाइनली रिजल्ट किस फॉर्मेट में आ रहा है, इंटीजर्स के फॉर्म में. प्लस इस प्लस ऑपरेंड के केस में फर्स्ट ऑपरेंड क्या था प्लस के रिस्पेक्ट में, 21 47 48 36 47. सेकेंड ऑपरेंड क्या है, 1. फर्स्ट ऑपरेंड जब इंटरनली मेमोरी के अंदर एडिशन परफॉर्म हुआ, तो एडिशन डायरेक्टली परफॉर्म होता है या बाइनरी फॉर्मेट में. सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर डेटा मेमोरी के अंदर बाइनरी फॉर्म में साइन हो रहा है, तो ऑपरेशंस भी किस फॉर्मेट में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी नंबर. जब भी इस केस में एडिशन परफॉर्म हुआ, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड किया बाइनरी वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड, बाइनरी वैल्यू ऑफ सेकंड ऑपरेंड इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर. जब ये बाइनरी वैल्यू रिप्रेजेंट हुआ, तो मींस फर्स्ट ऑपरेंड और सेकंड ऑपरेंड का टाइप इंटीजर है, तो बाइनरी नंबर कितने बिट्स में रिप्रेजेंट हुआ, 32 bits. फर्स्ट वन 21 47 48 36 47. नंबर पॉजिटिव है प्लस मैक्सिमम रेंज है, इसलिए साइन बिट क्या आएगा इसका, 0. रिमेनिंग बिट्स आर 1. इस 31 टाइम्स रेज क्या हुआ इस केस में, 1, ओनली 1 टाइम्स 0, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ इंटीजर. प्लस 1 के केस में बात करें, तो 1 का बाइनरी क्या हुआ, सिंपली 1, और रिमेनिंग बिट्स क्या होंगे इसके, 0 0. रिमेनिंग बिट्स आर 0 0. देन इस केस में परफॉर्म क्या हुआ, एडिशन ऑपरेशंस. मीन्स मैं डेप्थ लेवल में आपको शो कर रहा हूँ, एट मेमोरी लेवल, जिससे आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. इस पर्टिकुलर केस में जब एडिशन परफॉर्म हुआ, मीन्स फर्स्ट केस में कितने बिट्स हैं, 32 bits. सेकेंड केस में बिट्स कितने, 32. तो रिजल्ट भी कितने बिट्स में आने वाला है, ऑल्सो 32 bits. प्लस इस केस में जो फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट बिट होगा, इसको नेम क्या देंगे, जा साइन बिट. फर्स्ट ऑपरेंड का साइन बिट क्या, 0. सेकंड ऑपरेंड का साइन बिट क्या, 0. तो अभी दोनों ही नंबर कैसे, इंटरनली पॉजिटिव नंबर्स. अब चेक करेंगे इसका रिजल्ट, जब रिजल्ट परफॉर्म कराएंगे, तो रिजल्ट जनरेट होने के बाद इमीडिएटली रिजल्ट एक्स में साइन होगा, पहले किसी टेम्परेरी लोकेशन में साइन होगा, सम टेम्परेरी लोकेशन, इसको कंसिडर करें जब रिजल्ट ऑफ दैट एक्सप्रेशन. इस केस में सिंपली एडिशन परफॉर्म कराएंगे, 1 + 1 = 0, कैरी इज 1, अगेन 1 + 1 = 0, एवरी टाइम कैरी का रेज होगा 1, एडिशन क्या आएगा, 0. तो फाइनली इस टाइप से लास्ट केस में भी अगेन 1 + 1 इस ऑल टाइम्स क्या है, 0 0, लाइक दैट. देन लास्ट टाइम 1 + 1 ऐड होगा, तो फिर से कैरी क्या आएगा, 1. 0 + 1 = 1. चेक कर सकते हो इस केस में जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का साइन बिट क्या है, 1. मीन्स नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव, नंबर इज नेगेटिव. क्लियर. प्लस डजंट मैटर नंबर नेगेटिव या पॉजिटिव, मीन्स जो भी रिजल्ट आया है, रिजल्ट रेज कितने बिट्स में हुआ, 32 बिट्स में. मीन्स रिजल्ट कितने बिट्स में आ रहा, 32 बिट्स.
एक्स का भी साइज क्या है, ऑल्सो 32 बिट, इज इट कॉम्पटेबल और नॉट, कंप्लीटली कॉम्पटेबल। इनसे 32 बिट डेटा को 32 बिट में असाइन कराएंगे, इसे रिजल्ट असाइन किस में होगा, एक्स में, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो राइट मोस्ट ऑलमोस्ट सारे के सारे बिट्स कैसे जीरो, एक्सेप्टिंग फर्स्ट बिट, केवल फर्स्ट बिट क्या है इसके इसमें वन, और रिमेनिंग सारे बिट क्या फिल होंगे एक्स के अंदर जीरो। क्लियर, नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद डिस्प्ले क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, सपोज दैट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स केस में जब रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे, रिजल्ट किस फॉर्म में डिस्प्ले हुआ, डेसिमल नंबर सिस्टम के फॉर्म में। इस बाइनरी नंबर को जब डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, साइन बिट क्या है इसका वन, तो पहले रिक्वायर्ड क्या होगा, टूज कॉम्प्लीमेंट, और ऑलरेडी डिस्कस किया है अगर फर्स्ट बिट वन है रिमेनिंग बिट जीरो, तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी अगेन क्या मिलेगा आपको, सेम वैल्यू प्लस साइन बिट वन, इसलिए साइन कौन सा अप्लाई होगा आउटपुट में, माइनस। ये बिट किस पोजिशन में, इसका पोजिशन क्या है 32, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, टू दी पावर 32 माइनस वन, विच इज इक्वलेंट टू टू दी पावर 31। क्लियर, टू दी पावर 31 को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसके इसमें वैल्यू क्या मिलेगा आपको, दैट नंबर मीन्स माइनस 21 47 48 36 48, क्योंकि नंबर इक्विवेलेंट, ये रिजल्ट किसके इक्विवेलेंट है, इट इज द मिनिमम रेंज ऑफ इंटीजर, क्योंकि आपको मैंने रेंज निकालना बताया था, मिनिमम रेंज कब मिलता है, जब साइन बिट वन होगा और रिमेनिंग बिट्स जीरो होंगे। मैक्सिमम रेंज कब मिलता है आपको, जब साइन बिट जीरो होगा रिमेनिंग बिट्स वन होंगे, इसके इसमें मिनिमम रेंज के इक्विवेलेंट बाइनरी था, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, -21 47 48 36 48। क्लियर, अदर केस मीन्स टोटल भी मैंने आपको टोटल कितने केस हाईलाइट किए, टू केस, इसके अलावा इससे रिलेटेड अदर कई सारे पॉसिबल केस होंगे। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केसेस, मीन्स प्रीवियस केस में डेटा देखा जाए तो रेंज में नहीं था, लेकिन ये रेंज में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ, लेकिन आपको प्रॉपर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था प्रीवियस केस में, +21 47 48 36 48, लेकिन आपको पॉजिटिव में मिला, नेगेटिव में, नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ साइन बिट, क्योंकि इसका साइन रिजल्ट का साइन बिट चेंज हो चुका था। नेक्स्ट केस, अगर आप सेम केस में, एक केस थर्ड केस में डिस्कस कर रहा हूँ, फर्स्ट केस सेकेंड और थर्ड, सपोज दैट मैंने फिर से इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया एक्स इक्वल्स टू, इस केस अगर मैं डायरेक्टली असाइन करता हूँ 21 47 48 36 48, व्हाट हैपेंस, मींस रिमेनिंग सारे केस आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होंगे। इस केस में से असाइनमेंट वैलिड हुआ इनवैलिड, प्रीवियस केस में असाइनमेंट मींस जब एडिशन के थ्रू कराया था, केस कैसा था, वैलिड। क्लियर, लेकिन करेंटली इस केस में रेज क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर। तो क्वेश्चन है कि इस केस में एरर का टाइप आइडेंटिफाई करो, एरर मैसेज कौन सा आएगा, इन कॉम्पटेबल टाइप्स और पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन। सपोज दैट अगर आप प्लान कर रहे हो इस केस में पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन, तो पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन कंपाइल टाइम एरर मैसेज डिस्प्ले करने का फॉर्मेट क्या था, पॉसिबल लॉस ऑफ प्रिसीजन देन, सो क्या होता था, फाउंड समथिंग रिक्वायर्ड समथिंग, फाउंड क्या हो रहा है इस प्लेस पर, कंटेंट्स का टाइप क्या, लॉन्ग नॉट लॉन्ग, कंटेंट्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मीन्स रेंज इसका बड़ा हो सकता है, रेंज डजंट मैटर, लेकिन अभी ये फॉर्मेट किसका है, इंटीरियर का, तो इस केस में एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए, फाउंड इंट, प्लस आप असाइनमेंट भी किसमें कर रहे हैं, इंट में, रिक्वायर्ड भी क्या है, इंट, ये मैसेज पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल, मीन्स रिक्वायरमेंट इंट है तो फाउंड भी तो इंट हो रहा है, इसमें इशू क्या है, नथिंग, मीन्स इस टाइप का कोई भी एरर मैसेज पॉसिबल ही नहीं है। फाइनली इस केस में स्पेशली जावा ने डिफरेंट एरर मैसेज करेगा, कंपाइल टाइम एरर, एरर मैसेज क्या है इस केस में, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इज इट क्लियर। आपको याद हो जब मैंने आपको बताया था, जब भी अगर आप ऑक्टल के फॉर्म में कोई नंबर प्लान कर रहे हो, और नंबर के अंदर ओनली पॉसिबल डिजिट्स क्या थे, 0 to 7, लेकिन अगर मैं सेम केस में यूज करता हूँ लाइक 0 1 8 और समथिंग 9, ये केस कैसा था, वैलिड, इनवैलिड जस्ट बिकॉज ऑफ 8। इस केस में भी एरर मैसेज क्या था, सेम एरर मैसेज, इंटीजर नंबर टू लार्ज। फाइनली मीनिंग क्या था, ऑक्टल के केस में 8 को या 9 को लिखना ही पॉसिबल नहीं था, स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि इस केस में कई सारे केस हाईलाइट करने वाला हूँ। ऑक्टल के केस में किसी भी सिचुएशन में ऑक्टल के अंदर 8 या 9 को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए गिवन नंबर क्या है, बाइनरी नंबर, तो इस पर्टिकुलर नंबर को बाइनरी नंबर बोलना पॉसिबल, क्यों, बाइनरी के अकॉर्डिंग
पॉसिबल डिजिट्स क्या होंगे, ओनली 0 एंड 1, मीन्स ये बेस 2 के फॉर्म में। अगर सेम केस में बोला जाए आपसे इस नंबर को कभी बाइनरी बोलना पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। सेम है इस नंबर को कभी ऑक्टल बोलना पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। सेम है जावा के केस में इस पर्टिकुलर थिंग्स को मैं रिलेट करूंगा ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, जिससे आपके लिए इजीली समझना पॉसिबल हो। स्पेशली केवल इसमें एक ही की पॉइंट याद रखना, जिस टाइप से बाइनरी में जीरो और वन के अलावा कुछ भी लिखना पॉसिबल नहीं है, सेम एज जिस टाइप से ऑक्टल में जीरो टू सेवन के अलावा कुछ भी अदर डिजिट लिखना पॉसिबल नहीं है, सिमिलरली जावा के केस में अगर आप कोई भी इंटीजर नंबर डायरेक्टली इंटीजर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, देन उस इंटीजर नंबर को इस रेंज के अलावा किसी भी अदर नंबर में लिखना ही पॉसिबल नहीं होगा। मैं कन्वर्जन की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखना भी पॉसिबल नहीं, स्पेशली याद रखना है। मीन्स अगर आपने स्टार्ट से कोई नंबर लिखा हुआ है डायरेक्टली इंटीजर्स के फॉर्म में, रेंज क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर, इंटीजर नंबर टू लार्ज, स्पेशली याद रखना। मैं श्योर बोल रहा हूँ अभी भी आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, सारे एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। अगर आपको क्लियर हो चुका तो अगेन मेरा क्वेश्चन है इस केस में आपको बताना रिजल्ट क्या आएगा। इस पर्टिकुलर केस में, प्रीवियस केस में, इस नंबर को इंटीजर में राइट डाउन करना ही पॉसिबल नहीं था, इसलिए कंपाइल टाइम एरर में से क्या रेज हुआ, इंटीजर नंबर टू लार्ज। नेक्स्ट केस, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू, अगर मैं इस वैल्यू को टाइप कास्ट करता हूं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग, कन्वर्जन किस में कर रहा हूं, इंटीजर, इसे वैल्यू इंटीजर में पॉसिबल नहीं, लेकिन इस रेंज का नंबर लॉन्ग में पॉसिबल हो सकता है। रीजन के लॉन्ग का केस में लॉन्ग का रेंज क्या था, 19 डिजिट्स में रिप्रेजेंट होगा। आप इसको कैलकुलेट करके लॉन्ग का साइज क्या है, 8 बाइट, मीन्स माइनस 2 to the power 63 टू 2 to the power 63 माइनस 1, दिस इज द रेंज ऑफ लॉन्ग। अगर सेम केस में फिर से राइट करता हूँ, 21 47 48 36 48, इज इट वैलिड और इनवैलिड, बोलो। अगर मैं राइट करता हूँ, मीन्स अभी इसको मैं पेंडिंग रख रहा हूँ, न्यू केस, अगर मैं राइट डाउन करता हूँ 0 1 7, ये असाइनमेंट कैसा है, वैलिड, क्योंकि अभी वैल्यू किस फॉर्म में, ऑक्टल, लेकिन फिर भी ये ऑक्टल तो है, लेकिन ऑक्टल केस में इसका टाइप क्या है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इंटीजर, इसलिए असाइनमेंट कैसा है, वैलिड। लेकिन अगर मैं इस केस में डिजिट यूज करता हूँ 0 1 8, अब ये केस वैलिड है इनवैलिड, इनवैलिड क्योंकि ऑक्टल में कभी भी 8 को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है, 9 को रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। बट सपोज दैट 0 1 8 डायरेक्टली असाइन न करके अगर मैं इसको इंटीजर में टाइप कास्ट करूँ तभी असाइनमेंट पॉसिबल होगा, तब भी असाइनमेंट कैसा है, इनवैलिड, क्योंकि यहाँ देश के और अभी से नंबर ही ऑक्टल में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं। सेम केस अप्लाई हुआ इन केस ऑफ इंटीजर, मीन्स टाइप कास्टिंग तो बाद का मैटर है, पहले ये नंबर चेक करो ये नंबर वैलिड है क्या, मीन्स नंबर इटसेल्फ क्या है, इंटीजर। जैसे इस केस में नंबर इटसेल्फ क्या था, ऑक्टल, लेकिन ऑक्टल में 8 रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं, सेम एज इंटीजर में कभी भी इस रेंज से बड़ा या इस रेंज से छोटा नंबर लिखना भी पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर है। तो अगेन इस केस में क्या आएगा, सेम एरर मैसेज, कंपाइल टाइम एरर, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज, सारे के साथ कंपाइल करके चेक कर सकते हो, क्लियर। मीन्स यहाँ टाइप कास्टिंग का तो कोई रीजन ही नहीं है, टाइप कास्टिंग कब रिक्वायर्ड होता है, जब आप किसी बड़े रेंज के वैल्यू को या बड़े टाइप के वैल्यू को, बिग टाइप के वैल्यू को स्मॉल टाइप में कन्वर्ट करते हो, वैल्यू ऑलरेडी इंटीजर, असाइनमेंट भी इंटीजर में हो रहा है, टाइप कास्टिंग की नीड ही कहाँ है, क्लियर। इस फॉर्मेट क्या है इसका, इंटीजर, रेंज है कि नहीं डेन मैटम, इस फॉर्मेट क्या है इसका, इंटीजर टाइप, अदर पॉसिबल केस। अगर मैं यहाँ इंटीजर के प्लेस पर डेटा टाइप इटसेल्फ यूज करता हूँ एज अ लॉन्ग एक्स, देन टाइप कास्टिंग इनटू लॉन्ग या विदाउट टाइप कास्टिंग, अगर मैं यूज करता हूँ सेम केस 21 47 48 36 47 सॉरी 48, अगेन ये केस वैलिड है इनवैलिड, इनवैलिड के सिंपल रीजन, लेकिन इनवैलिड अभी भी एरर मैसेज क्या आएगा, सेम एरर मैसेज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मीन्स जब भी आपको इस केस में कन्फ्यूजन हो इसको कंपेयर किससे करोगे, लाइक 0 1 8, लॉन्ग में 0 1 8 असाइन करना पॉसिबल हो रहा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये केस भी कैसा, इनवैलिड। अगेन क्या आएगा, सेम एरर मैसेज, कंपाइल टाइम एरर, इंटीजर नंबर टू लार्ज, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर मैं सेम केस को टाइप कास्टिंग एरर कराता हूँ, अगेन लॉन्ग एक्स इक्वल्स टू टाइप कास्टिंग इंटू लॉन्ग 21 47 48 36 48,
अब ये केस कैसा है, वैलिड और इनवैलिड। टाइप कास्टिंग का जस्ट पर्पज क्या रहता है, अगर बिग टाइप को स्मॉल टाइप में कन्वर्ट कर दें तब उस केस में रिक्वायर्ड क्या हो, टाइप कास्टिंग। लेकिन यहाँ ये बिग टाइप है, ऑलरेडी स्मॉल टाइप है, मीन्स इसका टाइप क्या है, इंटीजर, और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, लॉन्ग में। तो इंटीजर को लॉन्ग में कभी भी आपको टाइप कास्ट करने की नीड होती है क्या, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो, इंटीजर टू लॉन्ग डायरेक्ट कन्वर्जन पॉसिबल है, देयर इज नो नीड ऑफ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो इस केस में अगेन क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर मैसेज, रीजन आप टाइप कास्टिंग चेक मत करो, फिर से इस रूल को कंपेयर कर लो, सेम एज प्रीवियस वन, लाइक दैट लॉन्ग 018, इज इट पॉसिबल, स्टिल नॉट पॉसिबल, अगेन कंपाइल टाइम एरर, एरर मैसेज क्या आएगा, सेम एरर मैसेज, इंटीजर नंबर टू लार्ज, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ से कंक्लूजन क्या मिल रहा है, कि जावा के अंदर इससे बड़ा नंबर लिखना ही पॉसिबल नहीं है। अगर लिखना ही पॉसिबल नहीं है तो जावा के केस में कई सारे प्रॉब्लम रेज हो जाएंगे इसकी वजह से। रीजन फॉर एग्जांपल, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको इससे बड़ा अमाउंट रिप्रेजेंट करना है, मीन्स अगर किसी कंपनी का टर्नओवर इस पर्टिकुलर केस, मीन्स कंपनी अगर एमएनसी लेवल कंपनी की बात करने लायक है, गूगल और फेसबुक, उस केस में उनका जो टर्नओवर रहेगा वो इस रेंज में होगा, इस रेंज से बड़ा होगा, ऑब्वियसली इस रेंज से बड़ा होगा, बड़ा होगा तो फिर क्या जावा में रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होगा क्या, पॉसिबल। फिर जावा में किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ इस नंबर को या वैल्यू को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं मीन्स डायरेक्टली अभी तक रिप्रेजेंट करना पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि सभी केस में वैल्यू का टाइप क्या है, इंट। अगर इसको अदर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें, लॉन्ग फ्लोट या डबल, देन रिप्रेजेंट करना पॉसिबल है। तो लॉन्ग फॉर्मेट में किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ क्या करेंगे, अगेन मैं सेम केस यूज कर रहा हूँ, 21 47 48, या मैंने क्वालिफायर अप्लाई किया आइदर कैपिटल एल और स्मॉल एल। अब चेक करो वैल्यू इंटीरियर फॉर्मेट में और डेसिमल, इंटीरियर फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट, एल से क्या रिप्रेजेंट हुआ, दिस इज लॉन्ग इंटीजर, नॉट ओनली इंटीजर। अब इसका टाइप क्या है, लॉन्ग, और लॉन्ग के केस में वैल्यू राइट डाउन करना पॉसिबल, मीन्स ये केस कैसा हुआ, वैलिड, देयर इज नो एरर। सेम एज अगर मैं लॉन्ग के प्लेस पर इंटीजर यूज करता हूँ, देन ये केस पॉसिबल हुआ क्या, नहीं। अब इस केस में रेज क्या हुआ, इनकॉम्पटिबल टाइप, रीजन वैल्यू किस टाइप का, लॉन्ग। इस केस में क्या आएगा, कंपाइल टाइम एरर, इनकॉम्पटिबल टाइप, फाउंड लॉन्ग, रिक्वायर्ड इंट। देन इस केस में आपके लिए टाइप कास्टिंग कराना पॉसिबल है, यूज क्या करोगे, इंटीजर, दिस इज वैलिड केस, क्लियर। दिस इज द केस, डिफरेंट डिफरेंट केस रिलेटेड टू इंटीजर टाइप्स। मैं नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे जस्ट अदर डेटा टाइप्स लाइक अ लॉन्ग और फ्लोट और डबल।